इस पर जो है कोलगेट लगाना है। कोलगेट जो है बिल्कुल अच्छा से साफ कर देगा, जितना भी इसमें जंग लगा है बिल्कुल अच्छा से साफ कर देगा। तो आपको चारों तरफ ऐसे लगाना है, जितना भी जंग लगा है कैंची में उतना आपको अच्छा से कोलगेट का आपको ऐसे लगा लेना है। हेलो फ्रेंड, आपको इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि कैंची में धार कैसे लगाते हैं घर पर बिल्कुल फ्री में। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जो आपको पैसा का भी बचत होगा, आपके कैंची में धार भी लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं यह जो कैंची है बिल्कुल कट नहीं कर रहा है कपड़ा, कट करने पर बहुत दिक्कत कर रहा है। और इस कैंची में जो है धार आपको धरा के दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कभी कट रहा है और कभी नहीं कट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो चार पांच बार रिपीट करने पर जो है कपड़ा जो है कट रहा है। तो इसमें जो है बिल्कुल धार नहीं है, तो बिल्कुल इजी तरीका से और घर पर फ्री में धार लग जाएगा, एक भी पैसा आपको खर्च होने वाला नहीं है। तो आपको जो जरूरत है एक कोलगेट का और एक जो बर्तन धोने वाला ऐसा जो तार वाला आता है ये चाहिए, और आपको ये चाहिए, और एक जो दवाई का ऐसे रहता है ये चाहिए। तो आपको इन सब चीज़ों से जो है कैंची में धार लगाना सिखाएंगे। एक खाली नेल पॉलिश का बोतल चाहिए आपको, इससे जो है कैंची में धार बिल्कुल आसान तरीका से लग जाएगा। तो आपको जो है क्या करना है, तो पहले इस कैंची को जो है आपको नॉर्मल पानी में इसको भिगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको पानी में इसको भिगा लेना है। आप पानी में भिगाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर जो है कोलगेट लगाना है। कोलगेट जो है बिल्कुल अच्छा से साफ कर देगा, जितना भी इसमें जंग लगा है बिल्कुल अच्छा से साफ कर देगा। तो आपको चारों तरफ ऐसे लगाना है, जितना भी जंग लगा है कैंची में उतना आपको अच्छा से कोलगेट का आपको ऐसे लगा लेना है। कोलगेट का आपको लेप लगाना है। आप देख सकते हैं लगाते ही इसमें का जो जंग है छोड़ना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल अच्छा से छोड़ देता है। आप देख सकते हैं काला काला यहाँ पर निकल रहा है, जैसे ही हम कोलगेट का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अच्छा से कोलगेट इसमें लगा लेना है। और आपको उसके बाद लेना है ऐसा तार, जो जाली वाला तार होता है बर्तन धोने वाला, आपको इसमें का जो जंग है ऐसे छोड़ाना है। आपको थोड़ा सा दबा के ऐसे इसमें का जंग जो है ऐसे छुड़ा लेना है, इसमें का सारा जो जंग है छोड़ देगा और कैंची जो है अच्छा से धार लग जाएगा। पहले जंग छुड़ाना है, उसके बाद इस कैंची में धार लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें का जितना जंग है कैंची का सारा छूट रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे निकल रहा है। तो आपको जो है ऐसे सफाई कर लेना है अच्छा से। उसके बाद जो है आपको पानी से अच्छा से धो लेना है, इसमें का जो जंग है सारा छूट जाएगा। आप देखिएगा कैंची जो है बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। कोलगेट के मदद से बहुत ही अच्छा से आप जंग कहीं का छुड़ा सकते हैं। तो आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कैंची जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जंग लगा था, और पानी का भी हालत आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया है। इसको जो है आपको एक बार इससे भी आपको थोड़ा सा और बर्तन धोने वाला है ये भी, तो इससे भी आपको थोड़ा सा और ऐसे रगड़ लेना है। जहाँ भी आपको जंग दिख रहा हो तो होगा थोड़ा सा भी, तो इसको ऐसे आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू जैसा कैंची हो गया है, और इधर भी इस तरह से हो गया है। तो इसमें का सारा जंग आपको छुड़ा लेना है। उसके बाद इस कैंची का जो है सारा इसमें का जंग जो है हम निकाल लिए हैं। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है,
ये कपड़ा जो है थोड़ा सा इधर सूखा है, तो इसी से इसको जो है अच्छा से पानी इसमें का निकाल लेंगे। और पानी निकालने के बाद आपको जो है क्या करना है, ऐसे आपको जो है दवाई का आपको आपके पास ऐसा खाली होगा तो इसको जो है ऐसे बारीकी में आपको कट करना है। जितना ही आप कट कीजिएगा तो क्या होगा, इसका जो धार होगा तेज होगा, क्योंकि अल्मोनिया का ये बना हुआ रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे कट करना है। इसको जो है बहुत बार ऐसे कट करना है आपको, थोड़ा सा आपको ऐसे हार्ड पड़ेगा, लेकिन जहाँ भी आप कट कीजिएगा तो क्या होगा, इसका जो धार है तेज होगा। और इसके बाद जो भी है आपको क्या करना है, आपके पास खाली नेल पॉलिश का बोतल होगा, इसको जो है आपको ऐसे करना है। आपको जैसे कपड़ा कट करते हैं ऐसे ऐसे आपको करना है। आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं हम, ऐसे आपको भी ऐसे कट करना है। और उसके बाद जो है वीडियो को पूरा देखिएगा तब जो है आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा से धार हो जाता है। आपको पीछे से ऐसे इस पर जो है ऐसे रगड़ना है जो इसका धार जो है तेज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो धार है बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, दोनों तरफ करना है। उसके बाद जो है कैंची को अच्छा से इसको ऐसे कर लेना है। और थोड़ा सा जो मशीन का तेल रहता है हल्का सा एक दो बूंद इसमें लगा देना है, क्योंकि वापस जंग नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि जो हम पानी इसमें पानी का इस्तेमाल किए हैं, जैसे पानी से धोए हैं, तो जंग लगने का इसमें चांस रहता है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा मशीन का तेल डाल के और यहाँ पर भी आप डाल दीजिएगा, जैसे कैंची जो है हल्का चलेगा अच्छा चलेगा। तो फिर जो है आपको वापस कपड़ा कट करना है, और आप देख सकते हैं कपड़ा जो है बहुत अच्छा कट कर रहा है। और आप जो है मोटा से मोटा कपड़ा जो है कट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप कपड़ा कट कर सकते हैं। कैंची का जो धार है तेज हो गया है, तो कैंची का जो धार है क्यों खराब हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है, इसके वजह से कैंची का धार जो है जल्दी खराब हो जाता है, कपड़ा नहीं कट करता है। तो आपको जो है इस तरह से फ्री में कैंची का धार लगा लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।